चलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मस्त ना? घर में रहो, सुरक्षित रहो। कोरोना वायरस चालू है, सबको बार बार हाथ धोना है, हाथ मुंह पे नहीं लगाना है ना? अच्छी तरह से खाते पीते हो ना? हाँ, अभी आप पांचवी में हो, 10 साल से बड़े उम्र हो गई आपकी। अभी आपको अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए और अपने पढ़ाई के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना? अभी हम पांचवी में गए तो हमें नया एक सब्जेक्ट आया। कौन सा आया? हिंदी। तो आज आप लोग हिंदी की बुक निकालो, धड़ा चौथा, पेज नंबर 7। चलो चालू करेंगे। हाँ, अंतर बताओ। धड़ा नाम है कश्मीरा, मतलब कश्मीर में रहने वाली ये लड़की है और वे कश्मीर में कौन सा ड्रेस पहनते हैं, उसी प्रकार का उसने ड्रेस पहना है। और आपको मालूम है बड़े बड़े तालाब है कश्मीर में, वो तालाब में बोट से, है ना, किधर जा रही है। तो ये दो चित्र है, तो आपको पूरी ध्यान पूर्वक देखना है कि कौन से चित्र में किससे क्या कम है। और अभी देखो, आपका ऐसा वही का पेज है, ये पेज में ऐसे दो लाइन निकालो, एक लाइन मारो, नाम लिखो कश्मीरा, और ये चित्र में क्या है और ये चित्र में क्या है, और बाद में किसमें क्या कम है, उसे बोलते हैं अंतर बताओ। वैसे देखो, हाँ, मैं नहीं बताऊंगी, अभी ये खेल है, ये तो खेल आपको ही खेलना है। चलो जाने दो, एक लास्ट में झाड़ के बारे में बता दो। देखो ये झाड़, देखो ऐसा ऊपर से देखने का, हाँ, तो पता चलता है। यहाँ पे चार पंछी, पांच पंछी, यहाँ पे चार पंछी, मतलब यहाँ पे एक पंछी कम है ना? ये देखो, अभी ये देखो झाड़, देखो ऐसे ना, ऐसे पेंसिल से लगा के देखना है तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो आपको लिखना है लड़की एक, लड़की नंबर एक, लड़की नंबर दो, इसमें इसमें चार पंछी, पांच पंछी, चार पंछी, इसमें देखो क्या है, देखो यहाँ पे बर्फ नहीं है, तो लिखना यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे बर्फ नहीं है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। यहाँ पे अभी आगे देखो, यहाँ पे झाड़ है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 झाड़े हैं। कौन से बाजू में है? दाएं बाजू में, बाएं बाजू में, और यहाँ 4 5, ऐसा आपको ये खेल जैसा है, अच्छा लगता है खेलने को। ये हमें पाठ आज पढ़ना है, आपको खुद को पढ़ना है, उसे बोलते हैं स्वयं अध्ययन। मजा भी आता है, किसी को दिखाने का नहीं, अपने का आप अब खुद सोच के बताओ और खुद सोच के लिखो। समझ में आया? धन्यवाद।